हरियाणा के रोहतक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों के लिए एक योजना लागू की है, जिसके तहत सरकार ने किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। राज्य सरकार की इस परियोजना में किसानों को ठीक उसी तरह से सिंचाई का पानी मिलेगा जिस प्रकार से एक गृहिणी को एक रसोई में खाना पकाने के लिए पानी मिलता है। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसानों को केवल सिंचाई के लिए अपने खेत के अंदर की सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। इस परियोजना से बिजली व पानी दोनों की ही बचत होगी, क्योंकि ये परियोजना पूर्ण रूप से सोलर सिस्टम पर आधारित है। इस योजना की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जिसमें भूमि अधिग्रहण से बचने के लिए सरकार ने अंडरग्राउंड नहरें बनवाने का भी निर्णय लिया है।